वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज बना रहे हैं नो ईस्ट नो मैदा मसूर दाल के बंस। तो ये मैंने मसूर दाल लाल वाली ले ली है और इसको मेरे को 2 घंटे से मैंने भिगो के रखा हुआ है। 200 ग्राम दाल है ये। यहाँ पर 200 ग्राम के हिसाब से मेरे पास आधा चम्मच है बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक है, यहाँ पे है ईसबगोल 20 ग्राम, 3 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर लिया है मिक्स सीड्स, पम्पकिन है, वाटरमेलन है, सनफ्लावर है, उसके अलावा सेसमी सीड्स और कलौंजी। यहाँ पे 1/2 टीस्पून है मेरे पास नींबू का रस, आप चाहें तो उसकी जगह एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून है यहाँ पर मेरे पास ऑयल, कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। अब नींबू और सीड्स, इनके अलावा ये सब चीज़ों को मैं 1/4 कप पानी के साथ पीस लूँगी अच्छे से पहले मिक्सी में, और पीसने के बाद फिर हम इसके अंदर नींबू का रस मिक्स करेंगे, क्योंकि वो फिर सोडे के साथ रिएक्ट करेगा तो बबल्स अंदर फॉर्म होंगे और हम फटाफट से फिर उसके बॉल्स बना के और उसको कुक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे पीस लेती हूँ। देखिए ये पिस गई है, तो अब इसके अंदर मैं नींबू का रस भी डाल रही हूँ और फिर इसको एक बार दोबारा से पीस लूँगी। तो मैंने इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है, एयर फ्रायर के बास्केट के पे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के थोड़ा सा ऑयल अभी टपकाया है, मिक्स नहीं किया है, वो मतलब फैलाया नहीं है, तो फैला के और थोड़ा सा हाथ में भी ऑयल इसी में से लेकर और इसकी बॉल्स बना के मैं इसमें रख दूँगी। और फिर इसको हम करेंगे 160 डिग्री पर 25 मिनट या जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। तो अभी मैं इसकी बॉल्स बना लेती हूँ, फिर एक बार एयरफ्रायर में डालने से पहले आपको दिखाऊँगी। और आप चाहें तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट ओवन में भी कर सकते हैं या गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए बॉल्स बनाकर और सीड से डिप करके इनको रख दिया है और अब मैं इनको एयर फ्राई करूँगी। तो देखिए हमारे मसूर दाल बंस रेडी हैं और एक पर्त को तो मैंने कट करके और इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड लगाया है, आप देख सकते हैं बबल्स भी अच्छे खासे आए हैं। और अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है बबल्स जो हैं और बहुत स्वाद लगते हैं। आप भी इसे बनाकर देखिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और थम्स अप देना तो बनता है। तो मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।